कंप्यूटर बाबा ने कहा कि शिवराज की सत्ता में आते ही रेत माफिया फिर सक्रिय हो गए। देवास जिले के सदवास में एसडीओपी के अमले पर हमला किया गया, जिसमें पुलिस कर्मी गंभीर रूप से घायल है। माफियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए और अवैध खनन पूर्णतः बंद किया जाए, अन्यथा संत समाज चुप नहीं बैठेगा। शिवराज सरकार के आते ही माफिया राज रेत माफिया सक्रिय हो गया है और पिछले दिनों एसडीओपी के हम स्टाफ को हमला जो किया है और पुलिस वाले जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं, हम उसकी भर्त्सना करते हैं। शिवराज सरकार को चेतावनी देते हैं कि किसी हालत में अवैध रेत खनन नहीं होना चाहिए, चाहे नर्मदा हो चाहे नदी हो, अन्यथा संत समाज चुप नहीं बैठेगा। हजारों साधु संत नर्मदा किनारे आकर के और नर्मदा अवैध खनन को रोकेगा, चाहे जो भी हो।